एंड वेलकम टू सोनी सोल्ड। दोस्तों विंटर्स आ रही हैं तो इसमें हमें अपने स्किन का बहुत ही ज्यादा ख्याल रखना होता है। तो आप घर पे क्या ऐसा क्रीम बनाएं कि आपकी स्किन जो है आपकी स्किन नेचुरली व्हाइट भी हो, मतलब आपकी स्किन फेयर टोन भी मिले आपको, साथ साथ आपके जो मॉइस्चर जो लेवल कम हो जाता है हमारी स्किन का सर्दियों में, हम उसके अपने आप स्किन को कैसे हाइड्रेट कर सकते हैं, प्रॉपरली मॉइस्चराइज कर सकते हैं। तो उसके लिए मैंने आप सबसे पहले लिया है कोकोनट मिल्क। फ्रेंड कोकोनट मिल्क के मैंने आपसे पहले भी एक स्किन केयर रूटीन मैंने आपसे शेयर किया है, वो भी देख सकते हैं विंटर के लिए। और मैंने इसमें डाला है मिल्क पाउडर जो कि हर घर में इजीली अवेलेबल होता है। और मैंने इसमें डाला है विटामिन सी यानी कि ऑरेंज एंड लेमन ऑयल, उसका भी डीआईवाई आप मेरे चैनल पर देख सकते हैं, डीआईवाई स्किन वाइटनिंग लेमन एंड फेशियल ऑरेंज फेशियल ऑयल, आप वो भी देख सकते हैं, हम घर पर इजिली बना सकते हैं। और मैंने इसमें डाला था एलोवेरा जेल। सो लेट्स चेक द वीडियो। सो फ्रेंड ये स्किन वाइटनिंग क्रीम बनाने के लिए आपको चाहिए, ये मैंने कोकोनट मिल्क लिया है, ये थोड़ा सा गाढ़ा हो चुका है, अगर आप फ्रिज में रखेंगे तो आपका भी ऐसा ठीक हो जाएगा। तो हम इसमें डालेंगे लगभग थोड़ा सा, मैं इसमें डाल रही हूँ एलोवेरा जेल, लगभग 1 टीस्पून एलोवेरा जेल डाल रही हूँ मैं इसमें, 1 टीस्पून एलोवेरा जेल डालना है इसमें। और मैं इसमें डालूंगी फ्रेंड्स मिल्क पाउडर डाल रही हूँ मैं इसमें, लगभग 1 डाल रही हूँ, 1 टीस्पून मिल्क पाउडर डाल रही हूँ। और इसमें डालना है हमने 1 कैप आलमंड ऑयल, मैं इसमें 1 कैप आलमंड ऑयल डाल रही हूँ। आप चाहें तो इसमें विटामिन ई की कैप्सूल कोकोनट ऑयल वगैरह भी डाल सकते हैं। फ्रेंड मैंने सारे इंग्रेडिएंट्स डाल दिए, हम क्या करेंगे इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। आप देख सकते हैं हमारी क्रीम की कंसिस्टेंसी बिल्कुल मार्केट जैसी है, आप देख सकते हैं। और फ्रेंड मैं इसमें थोड़ा सा डाल रही हूँ विटामिन जो मैंने जो बनाया था लेमन एंड ऑरेंज ऑयल, उसकी आप डीआईवाई मेरे चैनल पर देख सकते हैं, मैं 1/2 कैप डाल रही हूँ इसमें लेमन एंड ऑरेंज ऑयल, आप चाहें तो ज़्यादा भी डाल सकते हैं। तो मैं इसमें लगभग 1/2 कैप डाल रही हूँ। फिर इसको हम क्या करेंगे, हम इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। ये देखिए फ्रेंड हमारी बढ़िया सी कोकोनट मिल्क क्रीम तैयार है, आप देख सकते हैं इसकी कंसिस्टेंसी बिल्कुल मार्केट जैसी क्रीम की जैसे, आप देख सकते हैं इसकी कंसिस्टेंसी और बहुत ही बहुत ज़्यादा अच्छी है। कोकोनट हमारी स्किन को नेचुरली हाइड्रेट करता है, मॉइस्चराइज करता है, साथ साथ कोकोनट जो हमारी स्किन को वाइट टोन भी स्किन टोन भी है फेयर करता है। और लेमन एंड एसेंशियल ऑयल भी उसमें होता है विटामिन, उसमें जो है एंटीऑक्सीडेंट होता है, मैंने पहले भी एंटीऑक्सीडेंट के बारे में बहुत कुछ बताया है जो हमारे फ्री रेडिकल्स को इलामिनेट करती है। और एंटीऑक्सीडेंट जो जितने भी सन डैमेज होता है सन एक्सपोजर होता है उससे भी फ्री रेडिकल से हमको बचाती है। और जो क्या करती है हमारी स्किन के मेलानिन को जो प्रोडक्शन होता है उसको भी आप क्योर करती है। तो अब हम इसमें मैंने डाला था एलोवेरा जेल, आप किसी भी अच्छे ब्रांड का एलोवेरा जेल ले सकते हैं। अगर आपकी स्किन ज़्यादा ऑयली है तो आप इसमें, मैंने इसमें आलमंड ऑयल भी डाला है 1 कैप, तो आप वो भी डाल सकते हैं। सो मैं आपको इसको लगा के दिखाती हूँ कि इसकी कंसिस्टेंसी बिल्कुल मार्केट जैसी है। तो अभी मैंने कोई क्रीम नहीं लगाई है फेस पे, बस मैं नहा के आई हूँ, मैंने हल्का सा ग्लॉस लगाया है फेस पे। और आप इसे कभी भी थ्रू आउट द डे कहीं भी आप जाते हैं इसको पहले आप लगा लें और अच्छे से वो ब्लेंड होने दे अपने स्किन पे। फ्रेंड कोकोनट मिल्क भी आप मेरे चैनल पर देख सकते हैं कि आप कोकोनट मिल्क कैसे बना सकते हैं। आप इसको थोड़ा फ्रिज में रख दिए तो आपका थिक हो जाएगा, ये आप देख सकते हैं मैंने लगा लिया है। फ्रेंड इफ यू लाइक स्किन वाइटनिंग क्रीम सो डू सब्सक्राइब टू माई चैनल और अपने फ्रेंड के साथ शेयर करें ताकि उसको भी इनको भी उस जो है मेरे होम रेमेडी का फायदा हो पाए। और अपने फ्रेंड के साथ आप कहीं अपने रिलेटिव के साथ शेयर करें एंड प्रेस द बेल आइकन ताकि जितने मेरे अपकमिंग वीडियोज हैं उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। अगर आपको मेरा ये DIY स्किन वाइटनिंग क्रीम पसंद आया हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड प्रेस द बेल आइकन। तो मिलते हैं किसी नई होम रेमेडी के साथ। और अगर आपको किसी स्किन केयर से रिलेटेड हेयर केयर से रिलेटेड कुछ जानना है या प्रॉब्लम है तो मैं उसकी जरूर होम रेमेडी जरूर शेयर करूंगी आपसे। मिलते हैं किसी नई होम रेमेडी के साथ, टिल देन बाय बाय एंड स्टे हेल्दी स्टे ब्यूटीफुल, बाय बाय।